मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बी मालूमात में आपका खैर मकदम वेलकम है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत पे वीर्य को गाढ़ा करने, शीघ्र पतन को मिटाने का एक बहुत ही रामबाण आयुर्वेदिक उपाय आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा मैं आपको आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जिस नुस्खे का, जिस दवा का आप अगर सेवन कर लेंगे तो आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा, वीर्य की खराबियां दूर हो जाएंगी और शीघ्र पतन की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान को अपने पार्टनर के सामने, अपनी वाइफ बीवी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन अगर इस दवा को खा लिया तो फिर आपको कभी भी अपने पार्टनर के सामने नज़रें झुकाना नहीं पड़ेंगी, शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ और जानते हैं कि आपको ये नुस्खा किस तरीके से बनाना है और कौन सी दवाएं इसके अंदर डालना है और कितनी मकदार में इसको खाना है, इसकी डोज क्या है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें लेना होंगी और वो दो चीज़ें बड़ी ही सस्ती हैं और बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। उनमें से पहली चीज़ है गिलोय और दूसरी चीज़ है वंशलोचन। तो आप जो है 50 ग्राम गिलोय की लकड़ी ले लें और उसे सुखा लें अच्छी तरह से ताकि वो कुटने और पिसने के लायक हो जाए, और 50 ग्राम वंशलोचन ले लें। इन दोनों को आप बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इन्हें आप हिफाजत से रखें, बस आपकी शीघ्र पतन को मिटाने वाली ज़बरदस्त दवा बनकर तैयार है। अब आप इसके खाने का तरीका सुने। खाने का तरीका ये है कि 3 ग्राम ये पाउडर आप रात को गाय के एक गिलास दूध से इस्तेमाल करें और 3 ग्राम ये पाउडर आप सुबह को खाली पेट गाय के एक गिलास प्योर दूध के साथ इसका सेवन करें। लगातार इसी तरह से खाते रहें, पेट में कब्ज ना होने दें। और अगर शादीशुदा हैं तो कुछ दिनों तक आप बीवी से भी परहेज करें, यानी आप हमबिस्तरी सेक्स ना करें। कम से कम 21 दिन का आप परहेज करें, बीवी के साथ भी संभोग ना करें, सेक्स ना करें। और उसके बाद आप जब चाहें कर सकते हैं। आपका वीर्य बहुत गाढ़ा हो जाएगा, शीघ्र पतन जड़ से ख़त्म हो जाएगा। चंद पैसों में बनने वाला ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, लिहाजा आप खाइए और अपनी बीमारी को ठीक कीजिए।